मजदूर दिवस का इतिहास बहुत ही गंभीर व चिंतनीय है। मजदूर का मतलब हमेशा गरीब से नहीं होता। मजदूर वह इकाई है जो हर सफलता का अभिन्न अंग है, फिर चाहे वो ईंट गारे में सना इंसान हो या ऑफिस की फाइल्स के बोझ तले दबा एक कर्मचारी। हर वो इंसान जो किसी संस्था के लिए काम करता है और बदले में पैसे लेता है, वो मजदूर है। हमारे समाज में मजदूर वर्ग को हमेशा गरीब इंसान समझा जाता है। धूप में मजदूरी करने वालों को ही हम मजदूर समझते हैं। इसके विपरीत मजदूर समाज वह अभिन्न अंग है। संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब की जयंती हम मनाते हैं, ऐसे में हम उनके योगदानों को भूल जाते हैं। हमें यह याद रखना चाहिए कि भारत आज जैसा है उसे वैसा बनाने में बाबा साहब का कितना महत्वपूर्ण योगदान रहा है। संविधान निर्माण के अलावा भी उनका एक योगदान ऐसा है जिसने आज़ादी के पहले से आज तक हर नौकरी पेशा, कामगार या मजदूर के जीवन को प्रभावित किया है। और वह योगदान था दिन में काम के घंटों को 12 या 14 से घटाकर 8 घंटे करवाना। यह किस्सा उस दौर का है जब देश में अंग्रेजों का राज था और देश में ब्रिटिश सत्ता की ओर से शीर्ष व्यक्ति होते थे वायसराय। तब प्रशासनिक कामकाज संचालित करने के लिए वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल गठित की जाती थी। इसमें अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञ होते थे जो वायसराय को सलाह देते थे। उसी आधार पर प्रशासनिक नीतियां बनती थी। गठन के कई साल बाद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को उनकी बुद्धिमत्ता, गहन अध्ययन और प्रखर सोच के चलते वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में सरम सदस्य नियुक्त किया गया था। तब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने सबसे पहले अहम सलाह यह दी थी कि काम के 12 घंटे या 14 घंटे से घटाकर 8 घंटे कर दिए जाएं। अंग्रेजों ने ना नुकर की, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इतने प्रखर तर्क दिए कि काउंसिल ना ही नहीं कर सकी, अतः यह नियम बन गया। आज भी यदि आप 12 से 14 के बजाय 8 घंटे ही काम कर या छुट्टी कर पाते हैं तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की ही देन है। हमें मजदूर दिवस पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का धन्यवाद करना चाहिए कि जिनकी अथक प्रयासों की बदौलत आज हम 8 घंटे ही काम करते हैं और छुट्टी पा लेते हैं। आज मजदूर दिवस पर हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को सत्संत नमन करते हैं। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।